ओके, प्लीज साइलेंस, बात बंद करो, बात बंद करो। देखो, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको प्रिंट आउट दिया था और टॉपिक का नाम है एग्जांपल ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, A32 नाम की पीडीएफ फाइल है, प्रिंट आउट ले लें प्लीज। ठीक, A32। तो अभी स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक हमें गिवन है, ये मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी डिस्कस करके दिया हुआ है, जिसमें एक वायर है जिसमें करंट है और करंट कैरिंग वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है। उस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक रॉड को मूव करवा रहे हैं और हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पर डिफरेंट है, और जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो तो हम क्या करते हैं, उसमें स्मॉल EMF लेते हैं, बी इंटू लेंथ डी एक्स इंटू वी, और इस वायर की वजह से यहाँ पर बी निकलेगा और फिर इंटीग्रेट करके हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। रादर सॉल्व किया, मैंने आपको पिछली हैंड रिटन शीट में शायद ये सॉल्व करके ही दिया हुआ है और क्लास में डिस्कस भी किया हुआ है, तो इस टॉपिक को नहीं डिस्कस कर रहा मैं, लॉग की फॉर्म में आंसर आया था इसका। यहाँ से स्टार्ट करना है, हमने एक फिगर है और मोशनल EMF सबको आता है। मोशनल EMF में जब एक रॉड को खींचा जाता है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, लेंथ एल, वेलोसिटी और लेंथ आपस में परपेंडिकुलर, तो बी एल वी का फॉर्मूला इसमें लगाया जाता है। बी एल और वी तीनों आपस में 90 डिग्री पे होते हैं, राइट? और इसके अंदर जो फिगर के अंदर क्या गिवन है कि एक रॉड है और रॉड को, रॉड की लेंथ है एल और उसको मूव करवाया जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ वी नॉट। तो आंसर क्वेश्चन वही है, एक रॉड के अक्रॉस मोशनल EMF निकालो जो कि बी एल वी होता है। बट इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि इसमें बी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, तो इसके अंदर बी की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? जबकि हमने जब फॉर्मूला किया बी एल वी का, उसमें बी भी कांस्टेंट, एल भी कांस्टेंट और वी भी कांस्टेंट, इसके अंदर बी की वैल्यू इज चेंजिंग, राइट? तो इसके अंदर बी की वैल्यू चेंज कैसे हो रही है? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बी नॉट इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, बी की वैल्यू कहाँ चेंज हो रही है? वाई एक्सिस में चेंज हो रही है, क्योंकि वाई की टर्म में बी गिवन है आपको, और जैसे जैसे वाई कोऑर्डिनेट बढ़ता जाएगा बी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, राइट? क्लियर है यहाँ तक? तो ऐसे क्वेश्चन में जब बी चेंज हो रहा हो, एक ही तरीका है इंटीग्रेशन, पहले छोटी EMF निकलेगी फिर इंटीग्रेट करके टोटल EMF निकलेगी। तो छोटी EMF के लिए एक सेगमेंट लेंगे जिसकी लेंथ कितनी है, dy, ये y है तो ये dy, और मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ v नॉट, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अलग, 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 क्योंकि b की वैल्यू y के साथ चेंज हो रही है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इज कितनी, b नॉट इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। तो स्मॉल मोशनल EMF का फॉर्मूला यहाँ पर क्या लगेगा, बी एल वी, बी की जगह बी की वैल्यू फॉर्मूला हमें गिवन है, लेंथ की जगह कितना dy और वेलोसिटी की जगह v नॉट। तो B L V लेंथ की जगह dy, और B का फॉर्मूला क्या है, B नॉट इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू वी नॉट इंटू dy, और टोटल अगर आपको EMF निकालना है पूरे रॉड का तो जीरो से लेके L तक क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट। तो B नॉट वी नॉट कांस्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन जब करेंगे तो 1 dy की y आएगी और y स्क्वायर की क्या आएगी, y क्यूब बाई 3, y क्यूब बाई 3 जीरो से लेके L तक। तो इसे जब इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे, तो टोटल EMF कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये पॉइंट क्लियर है? मतलब याद रखना,
अगर आपका बी चेंज हो रहा है और आप फॉर्मूला मोशनल ईएमएफ का लगा रहे हैं बीएलवी, तो पक्की बात है आपको आपका क्वेश्चन इंटीग्रेशन से ही सॉल्व करना है। कोई डाउट इसमें? ठीक, ये एक मेथड है। और इसके अंदर एक और क्वेश्चन, लेकिन उस क्वेश्चन से पहले ये क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन प्लीज एक बार रीड करना, एक बार इस क्वेश्चन को रीड करो प्लीज। एल स्क्वायर आइए, गलती से एक्स आ गया, दिस इज एल, एल है। ऊपर वाले क्वेश्चन में ना छोटी सी करेक्शन है, बी का जो फॉर्मूला लिख रहा था ना मैं, उसमें ना एल, ये एल है प्लीज, वो ठीक पूछ रहा है क्वेश्चन, मैंने गलती से यहाँ पर एक्स लिख दिया, दिस इज एल एक्चुअली, यहाँ भी करेक्शन किया हुआ है, एल स्क्वायर है, एल इज अ कॉन्स्टेंट, एक्स नहीं है वो एल है, ठीक है ना, तो करेक्शन कर लेना प्लीज। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको ये गिवन है कि एक रेक्टेंगल है, राइट, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ बी है और विड्थ इसकी एल है, और इस क्वेश्चन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी है। हम इसे क्या कर रहे हैं, इफ लूप इज पुल्ड आउट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालें तो इसका फ्लक्स चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, हमने किया था, तो मोशनल ईएमएफ डेवलप होता है इसमें, तो हमने लास्ट टाइम भी किया था कि इसका एरिया चेंज हो रहा है, तो एरिया चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, तो मेरे को निकालना है इसमें वी बी माइनस वी सी, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप होगा। रूल नंबर वन, इसके अंदर आपको ये भी गिवन है, गिवन रेजिस्टेंस इज लैम्डा पर यूनिट लेंथ, तो ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये इस पूरी वायर की रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है। तो सबसे पहले हम अगर एडी पोर्शन की बात करते हैं, ये रहा एडी, एडी एडी पोर्शन इज अ रॉड ऑफ लेंथ बी, तो मोशनल ईएमएफ बोलो यहां क्या डेवलप होगा, बीएलवी, लेंथ की जगह क्या पुट करेंगे, छोटा बी, तो यहां पर ईएमएफ की वैल्यू एडी में क्या होगी, बी लेंथ की जगह बी इंटू वी। गुड आउट इसमें, बीएलवी का फॉर्मूला लगा लिया, यहां पर लेंथ की जगह क्या पुट किया, बी, तो ईएमएफ आ गई, राइट। अब नेक्स्ट है, मुझे इसमें वीए माइनस वीडी, अगर कोई पूछे वीए माइनस वीडी, तो वीए माइनस वीडी तो मैंने निकाल दिया बीएलवी से। आगे अब मुझे इसमें करंट निकालना है सपोज, राइट, करंट निकालना है, लेकिन अब उससे पहले इंड्यूस करंट से पहले मैंने आपको बताया था कि ये रॉड पे मोशनल ईएमएफ यहां डेवलप हुआ, यहां नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये पोर्शन तो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल गया, तो यहां तो बीएलवी का फॉर्मूला नहीं लगेगा, हॉरिजॉन्टल में हम वैसे नहीं लगाते, बचा क्या, सिर्फ ये बच गया, राइट, क्या ये पॉइंट क्लियर है। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे, वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैं आपको दो केस करके बता रहा हूं, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में इस लूप को वी वेलोसिटी से बाहर निकाल रहे हैं और इसकी लेंथ कितनी है, एल, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस अगर ईएमएफ पूछूं तो आपके पास आंसर क्या होगा, बीएलवी। अच्छा, अगर मैं इस पूरे लूप में पूछूं, कंप्लीट लूप, तो इस लूप में टोटल ईएमएफ क्या होगा, वो क्यों, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड से तो बाहर है, इसमें तो लेना नहीं, ये दो रॉड हॉरिजॉन्टल है, इनमें लेना नहीं, तो बचा क्या, सिर्फ ये बच गया, राइट, क्या ये पॉइंट क्लियर है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, चलता जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, और इसके अंदर एक लूप मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, तो अब मुझे बताओ कि इस लूप का टोटल ईएमएफ इस केस में क्या होगा, जीरो, क्यों, क्योंकि जितना फ्लक्स पहले था उतना ही फ्लक्स अब भी है, तो देयर इज नो चेंज ऑफ फ्लक्स, जितनी लाइंस इसमें पहले पास कर रही थी उतनी लाइंस इसमें अब भी पास कर रही है, ना एरिया चेंज हुआ लूप का, ना बी चेंज हुआ उसके अंदर, तो टोटल ईएमएफ पूरे लूप का क्या आएगा, जीरो, क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो अगर लूप बाहर निकल रहा है
तो आप बोल सकते हो कि उसका मैग्नेटिक फ्लक्स पहले ज्यादा था, अब कम, अब कम, अब कम कम होता जा रहा है, तो पूरे लूप में ईएमएफ होगा। लेकिन अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही ट्रेवल करता जा रहा है तो नेट ईएमएफ उस केस में क्या होगी? जीरो, राइट? अब मेरा तीसरा क्वेश्चन कि सपोज यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक। मेरा तीसरा क्वेश्चन, मान लो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, इनफाइनाइट है, बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है, खत्म ही नहीं होने वाला, और इसके अंदर एक लूप मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी नॉट, दिस इज ए बी सी एंड डी, लेंथ इज एल, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लूप जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की कोई कमी नहीं है, चलता जा रहा है, तो पूरे लूप का ईएमएफ हमने क्या डिस्कस किया? बोलेंगे आंसर जीरो, राइट? मैंने क्वेश्चन चेंज किया, मैंने कहा मुझे सिर्फ ईएमएफ बताओ बी और ए के अंदर कितना है। अब कितने लोग बोलते हैं अब भी आंसर जीरो, ए बी का पूछा है सिर्फ, ओके। कितने लोग बोलते हैं आंसर बी एल वी होगा ए बी में अभी भी? टोटल तो जीरो है, मैंने एग्री कर गया, मैंने सिर्फ एक पोर्शन ए बी लिया, बस ए बी का कितना है? देखो जब मैंने सिर्फ ए बी बोला, ए बी लाइंस मैग्नेटिक लाइंस को कट करता हुआ आ रहा है, ए बी में ईएमएफ जनरेट होगा, ए बी में बीएलवी जनरेट होगा, तो ए बी सिर्फ और सिर्फ अगर ईएमएफ ए बी का पूछा जाए तो आपने जीरो नहीं बोलना, आपने बीएलवी बोलना है। फिर आप कहेंगे सर पूरे लूप का जीरो क्या आ गया? जीरो इसलिए आया क्योंकि ध्यान से देखो, यहां पर मोशनल ईएमएफ है बीएलवी, यहां पर भी मोशनल ईएमएफ है बीएलवी, ये तो हम लेते नहीं, हॉरिजॉन्टल है, तो इसमें करंट कैसे जनरेट होगा? फ्लेमिंग का रूल, बी कैसे है बोर्ड के अंदर, थंब इधर इधर जा रहा है और करंट का है ऊपर, इसमें भी करंट का है ऊपर, तो इसमें भी करंट ऊपर, इसमें भी करंट ऊपर, तो ये टर्मिनल नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ऐसे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इधर से ये करंट जनरेट करे, इधर से ये करे सेम अमाउंट, और आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। ऐसा तो होता नहीं है कि वायर में ऐसे करंट जाए कभी सेम एंड सेम, तो इसलिए नेट ईएमएफ इसकी क्या हो जाएगी? अल्टीमेटली जीरो। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो पूरे लूप का तो जीरो होगा, पर इंडिविजुअल पूछा जाएगा तो जीरो नहीं होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? क्या डिफरेंस है? कैंसिल, सेम सेम पोटेंशियल जीरो, सेम पोटेंशियल जीरो, ऐसे कर लो, या ऐसे कह लो करंट इधर से जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा, ऐसे तो करंट जाएगा नहीं घूम के, तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। क्यों थी? मैंने जो अप्लाई की राइट वी वेलोसिटी, फोर्स कौन सी? लेफ्ट, क्वेश्चन फोर्स का है ही नहीं ना। एक पार्ट समझ में आ गया, बताता हूं फोर्स का भी। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? तुषार क्लियर है? ठीक, डिफरेंस समझ में आ रहा है? और ये बहुत ज्यादा जो है बारीक डिफरेंस है, ज्यादातर लोगों का क्वेश्चन यहां पे गलत हो जाता है, वो लूप देगा, लूप देखते ही लोग जीरो बोल देते हैं, पर आपने ऐसे ही, आपने देखना है कि ईएमएफ लूप के किसी पोर्शन में तो नहीं पूछा। अगर पोर्शन में पूछा है, ट्रीट इट लाइक अ रॉड, रॉड की तरह ट्रीट करो, रॉड का आंसर बोलो। ठीक, अब मेरे क्वेश्चन के अंदर भी तो सेम प्रॉब्लम है, मेरे पोर्शन में लूप कुछ बाहर निकलता जा रहा है, कुछ अंदर रह गया, तो मेरे क्वेश्चन में मैंने, मेरे से पूछा एडी में कितना है, मैंने बोला बीएलवी का फॉर्मूला लगा दो, लगा दिया, सही हो गया। फिर पूछा करंट कितना है, अब करंट इसमें तो करंट जनरेट नहीं हुआ, इसमें लेते नहीं, इसमें होगा, कहां होगा? फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से ऊपर होगा। यहां करंट जो जनरेट होगा उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज होगी। कितना होगा टोटल ईएमएफ जो कि कितनी डेवलप हुई? बीएलवी डिवाइडेड बाय पूरे लूप की रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होगी? तो हमने क्या किया, यहां ईएमएफ जनरेट हुई, अपने मन में समझाने के लिए कि यहां पर एक बैटरी लगा ली, याद है लास्ट टाइम भी करवाया था, इमेजिनरी एक बैटरी लग गई जिसकी ईएमएफ कितनी है? बीएलवी राइट, बाकी सेम है। अब इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, इसकी लेंथ कितनी है? बी, और लैम्डा का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ इज रेजिस्टेंस। इसकी लेंथ है एल, तो रेजिस्टेंस लैम्डा इनटू एल, लैम्डा इनटू बी, लैम्डा इनटू एल, राइट? मैं लिखा हुआ है इसमें नोट्स में नो ईएमएफ क्योंकि दिस इज आउट ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड. डायग्राम क्लियर है? तो करंट क्या बना? टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय चारों वायर्स की रेजिस्टेंस, सम ऑफ दिस 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 एंड दिस, करंट आ गया. पॉइंट समझ में आ रहा है कि इसमें करंट किस फॉर्म में आएगा? कोई डाउट इसमें? तो करंट की वैल्यू आ गई इसमें. ये तो एक पार्ट है, एक पार्ट है. अब मेरे से ये पूछा कि बी और सी पॉइंट ले लो, राइट? बी और सी पॉइंट. अभी मैंने काम किया था ए और डी में, अब मैं ले रहा हूं बी और सी. बी और सी में पोटेंशियल डिफरेंस कितने? ओम लॉ लगा दो. इसमें करंट घूम के यहां से यहीं आएगा ऑब्वियसली. अब तो वैसे भी क्वेश्चन मैंने इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया, तो इसमें सेम करंट इसमें आएगा आई. आई इंटू इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? लैम्डा बी मेरा. और हमने आई निकाल रखा है ऊपर से. आई की वैल्यू ऊपर वाली यहां पुट करेंगे तो क्या जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी. ओम लॉ से आ गया. सेकेंड पार्ट भी क्लियर है. तीसरा, ए और डी इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, फिर बोल रहा हूं. जो इलेक्ट्रिसिटी में आपसे कहा जाता है बिल्कुल वैसे ही करो. ए और डी है. पहला रूल, आप वी ए किरचॉफ लॉ लगा दो. बैटरी का प्लस से माइनस पे आ रहे हो तो माइनस बी एल वी. फिर करंट इसमें नेगेटिव से स्टार्ट होता है, देख लेना इंड्यूस करंट कहां पर है. तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस आई इंटू दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी डी. किरचॉफ लॉ लगा सकते थे. एक और तरीके, आसान तरीका, अगर नहीं लगाना, ए और डी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो हमें निकालना है, वो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस भी सेम होगा. मतलब चाहे यहां से निकाल लें चाहे यहां से निकाल लें, ये वाला पोर्शन और ये पूरा पोर्शन आर इन पैरेलल. तो यहां पर इसको छोड़ देते हैं. ए और ये पूरे के अंदर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें. करंट इसमें आए जा रहा है, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? दिस प्लस दिस प्लस दिस गिरा. तो आए इंटू रेजिस्टेंस पे लैम्डा इंटू बी प्लस लैम्डा इंटू एल प्लस लैम्डा इंटू एल गिरा. तो ओम लॉ मैंने यहां लगा दिया, बैटरी का चक्कर ही डाला, क्योंकि यहां निकाल लिया पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से निकाल लिया या यहां से निकाल लिया, बात एक ही है. तो यहां से बेटर है. तो करंट हमें पता, आंसर आ गया. तो वी ए माइनस वी डी कैन बी कैलकुलेटेड. बस फर्क यह है कि यहां से ही निकाला, यहां से निकाल दिया. मतलब ये क्वेश्चन टोटली करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कन्वर्ट कर दिया. इंड्यूस्ड ईएमएफ से जो करंट आना था वो तो निकाल दिया, उसके बाद तो ओम लॉ की एप्लीकेशन है टोटल. तो मैंने बोला था इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट में इसलिए स्लो चल रहे थे क्योंकि वो सारी चीजें इसमें यूज होने वाली थी. बट समझ में आ रहा है इसको कैसे करना है? ए और डी के बीच में बीएलवी नहीं होगा बिकॉज करंट, ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस इतना काम कर रहा है ना इसका, तो इसमें आई इंटू आर भी तो लगाना पड़ेगा ना इसमें ही वाला. ए और डी में यार रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में करंट है, बैटरी है, ऐसे कैसे होगा? ओके, क्या आइडिया क्लियर है यहां तक? इस क्वेश्चन को करने का क्या आइडिया है? लिखा हुआ है सारा, आप घर जाके इसको रिवाइज करो. एक एक स्टेप रिवाइज करके ही समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे कैसे समझ में आएगा? एक बार तो समझ में आ जाता है कि हाँ इस टाइप से करना है, लेकिन प्रैक्टिस तो घर जाके करनी पड़ेगी. ठीक, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कहूंगा, बहुत क्वेश्चन के ऊपर आ सकते हैं. मोशनल ईएमएफ अंडर एक्सटर्नल फोर्स एंड पावर ट्रांसफर. देख लो कौन सा पेज है. पेज नंबर 7 है, ये है 7 है, ठीक है ना ये टॉपिक? दूसरी चीज ये समझ लो, इस क्वेश्चन की एज सच आने की प्रोबेबिलिटी बड़ी कम है. अगर आप ये कहोगे इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा, इंटीग्रेशन इतनी कर रखी है आगे के, नहीं ऐसा कुछ नहीं आएगा. मैं आपको बताऊंगा इस के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं. और मेडिकल वाले ज्यादा टेंशन ले लें, इसमें जो इंटीग्रेशन यूज हो रही है आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. आप सिर्फ दूर से समझें, आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एंड का रिजल्ट सीखना है. नॉन मेडिकल वालों को बीच में सीखना है, बीच में किया कैसे,
ठीक, क्योंकि उनको एक्सपोनेंशियल्स की चीजें पता होती है। पहले प्रॉब्लम समझते हैं, इस प्रॉब्लम को तोड़ के बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। प्रॉब्लम ये है, आपको दो रेल्स गिवन है, एक रेजिस्टेंस आर गिवन है, इसके ऊपर एक रॉड गिवन है। ये पूरा अरेंजमेंट नीचे इसलिए नहीं गिर रहा क्योंकि ये वर्टिकल है ही नहीं, ये हॉरिजॉन्टल है और हमने टेबल का टॉप व्यू लिया हुआ है। दो रेल्स हैं, बीच में एक रॉड है। करें स्टार्ट। मैंने इसमें आर रेजिस्टेंस लगा दी, ठीक, मैंने कोई करंट नहीं दिया बैटरी का, तो इनिशियली इस रॉड में कोई करंट नहीं था। डन, समझा गया यहां तक, कोई करंट नहीं था, रॉड जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। लेकिन अब आपने क्या किया, आपने इस रॉड को आगे खींचना शुरू कर दिया बाय अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ एफ। आपने सोच लिया आप 10 न्यूटन की फोर्स लगानी है तो लगानी है, 10 10 10 10 10 10 10 खींचे जा रहे हो। अब रॉड ने फील्ड को कट करना शुरू कर दिया तो इंड्यूस करंट जनरेट हो गया। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कौन बताएगा, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, बी बोर्ड के अंदर है, थंब इधर है, करंट ऊपर है, तो करंट का आया ऊपर, ऐसे आना शुरू हो गया। राइट, यहां तक क्लियर है? तो मोशनल ईएमएफ बोलो यहां कितनी डेवलप हुई, पीएलवी, और करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायग्राम समझ में आ रहा है? रॉड कहती है मैं नहीं चलूंगी, क्यों, क्योंकि मेरे चलने से फ्लक्स चेंज हो रहा है, और लेंस ने कहा था कि अगर आप इसका पूरे अरेंजमेंट का फ्लक्स चेंज करोगे तो रॉड अपोज करेगी। रॉड कहेगी मैं नहीं चलूंगी, मैं अपोज करूंगी। अब रॉड अपोज कैसे कर रही है, करंट को जनरेट करके, ठीक, रॉड कैसे अपोज कर रही है, बाय जनरेटिंग अ करंट, ठीक। रॉड करंट कैसे प्रोड्यूस करे, वैसे तो फ्लेमिंग का रूल बताता है कि रॉड को करंट ऊपर की तरफ जनरेट करना है। रॉड अपोज ऐसे कर रही है क्योंकि हमने मैग्नेटिक इफेक्ट में पढ़ा, व्हेन अ करंट कैरिंग रॉड इज लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स BIL। तो जब करंट इसमें दौड़ा ऊपर की तरफ तो करंट कैरिंग रॉड लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, डायरेक्शन फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, बी कहां पर है, ये रहा, करंट कहां पर है, ऊपर है, फोर्स कहां लगी, देखो करंट ऐसे दौड़ा कि फोर्स उधर नहीं लगी, फोर्स इधर लगी, आपकी अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट, ताकि इसका फ्लक्स का एरिया जो बढ़ रहा है वो बढ़ ना पाए, वो कम हो जाए। समझ आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो आप चाहते हो रॉड आगे जाए, रॉड चाहती है मैं आगे जाऊंगी नहीं, मैं पीछे जाऊंगी। अब करंट पहले तो शुरू में थोड़ा था, ये फोर्स कम थी, जैसे ये 10 न्यूटन है, ये मान लो 1 न्यूटन, रॉड इतना थोड़ा ना कर लेगी, आपने 10 तो फिर इधर भी 10, फिर तो जिंदगी में रॉड चलेगी नहीं किसी की भी, फिर तो चल ही नहीं सकती सारी जिंदगी, थोड़ा बहुत का पोजीशन है, तो ये मान लो 1 न्यूटन था। अब आपने एक्सपीरियंस किया यार मैं फोर्स 10 न्यूटन लगा रहा हूं, मेरी फोर्स 9 न्यूटन लग रही है, क्यों, क्योंकि अपोजिशन है। अब हो क्या रहा है, जैसे जैसे, क्योंकि इनिशियली रॉड की वेलोसिटी क्या थी, जीरो, इनिशियली रॉड की वेलोसिटी जीरो थी, आप फोर्स लगाती हो तो वो एक्सेलरेट करेगी, जब एक्सेलरेट करेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो इंड्यूस करंट बढ़ेगा, BLV EMF बढ़ेगी, तो करंट बढ़ेगा तो धीरे धीरे ये वैल्यू भी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। ये तो 10 है, रॉड एक्सेलरेट कर रही है, आपने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, 10 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो रॉड एक्सेलरेट करेगी, वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ती जा रही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ BLV बढ़ता जा रहा है, करंट बढ़ता जा रहा है, ये अपोजिशन फोर्स बढ़ती जा रही है। एक ऐसा टाइम आएगा जब आपकी फोर्स 10 है तो BIL भी एग्जैक्टली 10 है, उसके बाद ये नहीं कि रॉड रुक जाएगी, फ्रिक्शन तो है नहीं, रॉड विल मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, एंड इस कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। ये तो वैसे ही है जैसे +1 में पानी में स्फीयर गिरा था, पहले अपोजिशन की फोर्स बढ़ती जाती थी, उसके बाद इट अटेन्स अ टर्मिनल, ऐसे करते थे, तो टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये, लेकिन आपको ये पूरी कहानी समझ में आ रही है कि स्टार्टिंग जीरो वेलोसिटी से हुई, आपने एक्सेलरेट करवाया, लेकिन उसके बाद एक फिक्स्ड वैल्यू के बाद, एक एक्सेलरेशन करवाने के बाद, कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। राइट, तो इस केस में स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन क्या आएगा, दो क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन, आपका करंट जब
रेजिस्टर में गया तो पावर हीट की फॉर्म में जनरेट हुए, वायर गर्म हो गई, बताओ कितनी पावर रिलीज हुई? पहला आई स्क्वायर आर, राइट। दूसरा आपने क्या लगाई? फोर्स। आपने कितनी फोर्स लगाई? एफ। ठीक, जब आपने फोर्स लगाई एफ तो आपकी भी मैकेनिकल हाथों की पावर लगी, आपकी मैकेनिकल पावर कितनी लगी, आपका कितना जोर लगा और वहां हीट की पावर कितनी जनरेट हुई? दो क्वेश्चंस क्लियर है, राइट। और तीसरा क्वेश्चन, टर्मिनल वेलोसिटी कुछ देर के बाद जो अटेन होगी उसकी वैल्यू क्या होगी? ये तीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट, ईएमएफ कितनी जनरेट हुई? बीएलवी। पहला स्टेप क्लियर। करंट कितना जनरेट हुआ? बीएलवी बाय आर। सेकेंड स्टेप भी क्लियर, करंट आ गया। नेक्स्ट, शुरू शुरू में रॉड क्या करेगी? एक्सेलरेट। इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, फिर रॉड क्या करेगी? एक्सेलरेट, वेलोसिटी बढ़ाएगी। कब तक? जब तक उसकी वेलोसिटी टर्मिनल नहीं हो जाती। तो इस केस में आपने कितनी फोर्स लगाई? एफ। कहां लगाई? टुवर्ड्स राइट। रॉड ने कहां फोर्स लगाई? लेफ्ट। कितनी लगाई? बी आई एल। नेट फोर्स एफ माइनस बी आई एल। नेट फोर्स को मास से डिवाइड किया तो क्या आ गई रॉड की? एक्सेलरेशन। ये स्टेप भी क्लियर है। क्वेश्चन एक और आएगा, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है तो किसी टाइम पर टाइम की फॉर्म में वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है ये भी बताओ। तो ये तो काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम हो गई। ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन डीवी बाय डीटी है, डीवी के साथ डीवी वाली टर्म्स जिसमें वेलोसिटी आ रही है और डीटी के साथ बाकी टर्म्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, लिमिट लगाई, इनिशियल वेलोसिटी की लिमिट जीरो है और किसी टाइम पे वेलोसिटी कितनी हो गई? वी। टाइम जीरो से टी, तो यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे। ये मेडिकल वालों का काम नहीं है, मेडिकल में नहीं आएगा, नॉन मेडिकल समझ में आ रहा है, इंटीग्रेशन स्टार्ट हो चुकी होगी, लॉग में आएगा ये और डिवाइडेड बाय, इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर और ऐसी वन बाय एम आर बाहर टी, राइट। मेडिकल बताऊंगा क्या आएगा, यहां तक क्लियर है? तो ये लॉग में, लॉग को जब हटाएंगे लॉग राइट साइड पे जाएगा तो क्या बनेगा? एक्सपोनेंशियल। मैथ में ऐसे करते हैं, लॉग हटेगा तो यहाँ ई एस टू पावर हो जाएगा, फिर हमें क्या निकालना है? वी एफ आर बाई एफ आर वन हो जाएगा। सॉल्व करके वी का ये फॉर्मूला आएगा, वी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वी वेलोसिटी टाइम के साथ रॉड की कैसे चेंज होगी, ऐसे चेंज होगी। ये नॉन मेडिकल वालों के लिए, मेडिकल में नहीं आता ये, क्लियर है? मेडिकल में क्या आएगा ये सुन लो, नॉन मेडिकल में मेंस तक यू नेवर नो, पता नहीं, इसको इसका आसान वर्जन दे सकते हैं, वो इतना कॉम्प्लेक्स ना दे, कुछ इजी दे सकते हैं, वन स्टेप टू स्टेप इंटीग्रेशन दे सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब ज्यादातर क्वेश्चन इस पे नहीं, ज्यादातर क्वेश्चन इस पे आते हैं, क्या एक्सटर्नल फोर्स, मैंने फोर्स कितनी लगाई? एफ, राइट। या उससे पहले एक और चीज डिस्कस करना चाहता हूं, वेलोसिटी का बड़ा सा फॉर्मूला आ गया ई की फॉर्म में, ऐसा कुछ सा आया था, बहुत देर के बाद क्या होगा? बहुत देर को क्या बोलते हैं? टाइम इंफिनिटी। जब आप वेलोसिटी के बड़े से फॉर्मूले में टाइम को इनफाइनाइट पुट कर देंगे तो ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी और आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा? एफ आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर बस। और इस वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ये एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है क्योंकि ना तो एफ चेंज हो रहा है, ना आर चेंज हो रहा है, ना बी ना एल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, राइट। मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के, मेंस और नीट में टर्मिनल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला बहुत बार आता है, अलग अलग फॉर्म में आता है। क्या ये फॉर्मूला याद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो फिर क्या ये पूरी थ्योरी करेंगे? ये भी नहीं करेंगे। मैं बताता हूं क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, अगर आपके पास एक रॉड है, ध्यान से आगे देखो, राइट, रॉड मूव कर रही है एफ फोर्स के साथ और पीछे क्या लग रहा है? बी आई एल, राइट। और करंट की वैल्यू कितनी आ चुकी थी? बी एल वी बाय आर, ऐसे ही है, बी एल वी बाय आर। जब एक रॉड टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर कर लेती है,
जब एक वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर करती है तो एफ किसके इक्वल हो जाता है, बी आई एल, ऐसे होता है, एक्सलेशन तो लेनी नहीं, एफ इज इक्वल टू बी, करंट क्या है बोलो, बी एल वी बाय, ऑटोमेटिकली ये वेलोसिटी का क्या नाम होगा, टर्मिनल, क्योंकि दोनों फोर्सेस को मैंने क्या किया, इक्वेट, नेट फोर्स इज जीरो, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके टर्मिनल निकाल लो, एफ आर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, सेम आ गया, ये करेंगे तो ज्यादातर प्रॉब्लम्स में वो आपको ये कहेगा ही नहीं कि इनिशियली रॉड रेस्ट पे थी, वो कहेगा वो तो टर्मिनल कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चलती जा रही है, तो आपकी पूरी इंटीग्रेशन वाला स्टेप खत्म, सीधा एक स्टेप, एफ इज इक्वल टू बी आई एल, बस ये किया हुआ है इसमें, तो आपने कुछ नहीं करना, एफ को बी आई एल के इक्वल करना है, राइट, और वेलोसिटी क्या करनी है, कॉन्स्टेंट, और करंट की जगह ऑल्टरनेट लिखा हुआ मैंने, करंट की जगह क्या पुट करना है, बी एल वी बाय आर, आंसर आ जाएगा, ये ज्यादा आसान है, इंटीग्रेशन वाले तरीके से ये ज्यादा आसान है, बट आपको पॉइंट समझ में आया कि किस तरीके से हमने इसको अचीव किया, करंट क्यों इंक्रीज होगा, एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी का बढ़ना, वेलोसिटी बढ़ने का मतलब करंट बढ़ना, एफ इज इक्वल टू बी आई एल का बढ़ना, क्या ये पॉइंट क्लियर है, ओके हाँ, इक्विलिब्रियम को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, इक्विलिब्रियम पे अटेन होती है टर्मिनल, बट पॉइंट समझ में आया, अब तो इंटीग्रेशन आ गई मैथ्स वालों को, अब तो मुश्किल भी नहीं लगता होगा, रहती है मुश्किल नहीं लगेगी, चलो 15 दिन बाद ठीक हो जाएगी, देखो और ऐसी अगर मान लो वेलोसिटी हर, अगर मान लो टर्मिनल अटेन नहीं हुई, सुन लो एक मिनट, अगर टर्मिनल अटेन नहीं हुई यानी कि अभी वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज इंक्रीज हो रही है, तो उस टाइम जो आप जोर लगा रहे हो खींचने के लिए पावर, पावर क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी को टाइम की फॉर्म में पुट किया तो पावर भी टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो पावर का फॉर्मूला टाइम के साथ ये हो जाएगा, तो ये आपकी मैकेनिकल पावर है जो आप लगा रहे हो इसके ऊपर, बट आपकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी आती नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं आपकी प्रॉब्लम सिंपल तरीके से सॉल्व होंगी, मैं आपको बताता हूं, मुझे सिर्फ ये बताओ, आपको ना दो क्वेश्चन आने वाले हैं, सुन लो, कॉम्पिटिशन में आपको पहली बात, मतलब प्रोबेबिलिटी ये बोलती है कि आपको इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि इतना बड़ा लॉग का तरीका करोगे फिर तो पेपर ही छूट जाएगा, इतना बड़े क्वेश्चन देते नहीं है, तो 99 क्या, जब तक जितने क्वेश्चन मैंने ईएमआई के देखे वो ज्यादातर टर्मिनल पे देखे हैं मैंने, मतलब कॉन्स्टेंट पे चलते हैं, दो टाइप का क्वेश्चन आएगा, पहला करंट बोलो इसमें क्या होगा, आप क्या बोलोगे, इसमें करंट जनरेटेड बी एल वी बाय आर, ये तो ठीक हो गया, फिर वो ये पूछेगा कि ये बताओ कि टर्मिनल का फॉर्मूला क्या है, आप अभी मैंने सॉल्व भी करके दिखाया, बी आई एल इज इक्वल टू एफ फोर्स है, करंट की जगह क्या पुट करेंगे, बी एल वी बाय आर इंटू एल इज इक्वल टू एफ, तो यहां से जो भी वेलोसिटी आएगी एफ आर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर वो टर्मिनल है, कोई डाउट इसमें, राइट, ये भी आ जाएगा आंसर, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है टर्मिनल का, तीसरा जो पावर जनरेट होगी रजिस्टर में वो क्या होगी, आई स्क्वायर आर, जो पावर रजिस्टर में जनरेट होगी वो आई स्क्वायर आर, आई की वैल्यू कितनी निकाली हुई है, बी एल वी बाय आर, राइट, तो आई की जगह पुट कर दें तो पावर की वैल्यू क्या जाएगी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और आर कैंसिल तो आर बच गया, तो रजिस्टर में कितनी पावर जनरेट हुई इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये आंसर आ जाएगा, कर लोगे सॉल्व, यहां तक बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, रजिस्टर में हीट बताओ कितनी जनरेट होगी, सिंपल है, राइट, नेक्स्ट है आपकी मैकेनिकल पावर बोलो कितनी होगी, मैकेनिकल पावर क्या होगी, फोर्स इनटू वेलोसिटी, मैकेनिकल पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी, और कौन सी वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, और टर्मिनल का फॉर्मूला हमने कितना निकाला हुआ है, ये रहा, पुट करें क्या आ गया, एफ आर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कितना कहां पे है पावर, ये रहा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एफ स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर, यही होगा, ठीक है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी की जगह टर्मिनल, अच्छा उल्टा कर ले,
क्या हो गया तरुण, ठीक नहीं है? ठीक है, अच्छा उल्टा कर देते हैं, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, मैं लिख रहा हूं फिर से, जो मैकेनिकल पावर है फोर्स इनटू वेलोसिटी की फॉर्म में, या तो ये आंसर होगा ऑब्जेक्टिव में, या फिर ऐसे होगा फोर्स की जगह यहां से निकालना पड़ेगा आपको एफ इज इक्वल टू वी इंटू बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऐसे। तो इस अब फोर्स की जगह पुट कर देते हैं बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय कितना, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय इंटू क्या, वी, क्या आ गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। आपको नहीं लगता कि ये वाली और ये वाली पावर एग्जैक्टली सेम आ गई? चाहे चाहे आप थर्मल पावर निकाल लो, चाहे मैकेनिकल पावर निकाल लो, आपकी सारी मैकेनिकल पावर किस में कन्वर्ट होती जा रही है, हीट की फॉर्म में बाहर आती जा रही है। इन में से अगर कोई क्वेश्चन आया ऑब्जेक्टिव तो हो जाएगा, बस ये बता दो, ये छोड़ो इंटीग्रेशन में छोड़ दो, कुछ नहीं आना। पर आपको ये समझ में आया कि ये कैसे हुआ, कोई डाउट इसमें? चुप से हो गया यार, ठीक हो? इंटीग्रेशन का तो हिस्ट्री बताना हमारा काम है कि देखो ये कहां से चीज निकल के आई है, ताकि स्पेशली जो नॉन मेडिकल वाले हैं उनको मालूम नहीं है यार, उनको काइनेमेटिक्स की जगह यही क्वेश्चन दे दिया किसी इंस्टेंट पे वी निकालो फिर क्या कर लोगे, एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए। और जो लोग एचसी वर्मा कर रहे हैं आपको ये क्वेश्चन सब अनसॉल्व मिलेंगे, उसमें ऐसे बड़े बड़े आंसर एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, तो जो लोग कर रहे हैं उनको सब पता लग जाएगा कि कैसे किया उसने, ठीक है? ओके, क्या पॉइंट क्लियर है? ओके, एक और क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन, ट्रिकी क्या, बहुत आसान है लेकिन ऐसा क्वेश्चन हमने किया नहीं। क्वेश्चन सिंपल है, दो रेल्स हैं, ये रही दो रेल्स हैं, ये रहा डायग्राम, इन रेल्स के ऊपर एक रॉड है, इस बार ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, इस बार सच में ये वर्टिकल है, और जब मैं इसे छोड़ूंगा तो वेट इसको नीचे गिरेगा, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, लाइंस को कट कट करता हुआ नीचे आ रहा है, इसमें इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा, क्या स्टेप क्लियर है? ठीक, क्वेश्चन ये है, टाइम के साथ, क्योंकि इनिशियली इस रॉड की वेलोसिटी क्या थी, जीरो, छोड़े इसे तो एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट करेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो इंड्यूस करंट बढ़ेगा, इंड्यूस करंट बढ़ेगा तो कैपेसिटर में चार्ज बढ़ेगा, तो चार्ज टाइम के साथ बढ़ेगा, चार्ज टाइम के साथ चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है तो चार्ज चेंज हो रहा है, तो बताओ चार्ज कैपेसिटर में टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, क्यों, इन टर्म्स ऑफ टी बताओ क्या होगा। प्रॉब्लम समझ में आ गई, चार्ज की वैल्यू हर इंस्टेंट पर चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो टाइम की फॉर्म में चार्ज क्या होगा, ठीक। रूल नंबर वन, स्टार्ट ए की जगह से होगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज एल, रॉड कहां गिरेगी, नीचे, क्यों गिरेगी नीचे, क्योंकि इसका वेट नीचे गिरेगा, इनिशियली वेलोसिटी रॉड की क्या थी, जीरो, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, रॉड कहती है मैं नीचे जाती, क्यों, मेरा फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो फिर क्या करेगी, क्योंकि करंट कैरिंग रॉड इज लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स बी आई एल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, बी मोशन ऑफ कंडक्टर नीचे, सॉरी बी जो है इधर, और करंट की वैल्यू इसमें कहां जा रही है, इस तरफ, ये करंट ऐसे कैसे आया, इंड्यूस, ये मैंने रूल नहीं बताया, बता देता हूं कि रॉड जब नीचे गिर रही थी तो करंट की डायरेक्शन देख लेते हैं पहले, राइट हैंड रूल, बी बोर्ड के अंदर, थंब नीचे तो करंट कहां आएगा, इस तरफ, राइट, करंट यहां जनरेट हुआ, अब लगाते हैं बी आई एल, बी आई एल वैसे तो लगाने की जरूरत नहीं है, रॉड अगर नीचे जा रही है तो उसको पता ही है फोर्स कहां लगवानी है, ऊपर, रूल क्या लगाना, पर लगाना है फर्स्ट फिंगर बी
करंट इधर है, फोर्स ऊपर है, राइट। तो रॉड के नीचे की तरफ कितनी फोर्स है, एम जी, ऊपर की तरफ कितनी फोर्स है, बी आई एल, राइट। अब ई एम एफ कितनी जनरेट हुई, बी एल वी। इस पूरे क्वेश्चन में रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, अगर मुझे रेजिस्टेंस गिवन होती तो मैं करंट क्या बोलता, बी एल वी बाय आर। रेजिस्टेंस नहीं है इसकी, सिर्फ ई एम एफ है। पर कोई बात नहीं, हमें निकालना भी तो चार्ज है। चार्ज क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी, वी स्टैंड फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज इज सी फॉर कैपेसिटेंस इन टू पोटेंशियल डिफरेंस की जगह मोशनल ई एम एफ, कितनी, बी एल वी, राइट, सी इन टू बी एल वी, चार्ज आ गया। और करंट क्या होता है, करंट होता है डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि मैं बी एल वी बाई आर तो कर नहीं पाया, आर तो था नहीं, तो मेरे पास एक तरीका है करंट निकालने का, मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो करंट आ जाएगा। अब क्यू की वैल्यू मुझे मालूम है, पुट कर दी, सी बी एल कॉन्स्टेंट है, डी वी बाई डी टी क्या होती है, एक्सेलरेशन, तो करंट एक्सेलरेशन की फॉर्म में आ गया। पर मुझे क्या निकालना है, मुझे तो चार्ज निकालना है, मुझे इस चार्ज निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, v, क्योंकि ना ये चेंज हो रहा है, ना ये, ना ये, मुझे वेलोसिटी को टाइम की फॉर्म में निकालना है एक्चुअल में। और t टाइम पे वेलोसिटी होगी क्या, 0 प्लस at, तो v इज इक्वल टू यू प्लस at, यानी कि t टाइम पे वेलोसिटी v है। अगर मैं यहां पर एक्सेलरेशन बता दूं आपको तो v आ जाएगा, v आएगा, उसको उठा के यहां पुट करेंगे तो क्या जाएगा, चार्ज आ जाएगा। अब सारी गेम किस पे डिपेंड करती है, एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन के लिए लॉज ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा, जिसमें क्या गिवन है, नीचे की फोर्स क्या है, mg, ऊपर की फोर्स क्या है, bil, डिवाइडेड बाय मास m, ये क्या आ गई, रॉड की एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ गई, लेकिन हमें पता है करंट क्या है, cbla, करंट को यहां पुट कर देते हैं, cbla, तो ये टर्म आ गई, ये एक्सेलरेशन आ गई। अब एक्सेलरेशन सॉल्व करते हुए करंट के अंदर भी एक एक्सेलरेशन थी, ये रहा a, तो इसमें दो a है, एक ये और एक ये है, कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, m को a से मल्टीप्लाई करो, m में इस टर्म को लेफ्ट पे लेके जाओ, सॉल्व करो, a आ जाएगा। पॉइंट समझ आया यहां तक, इसमें एक्सेलरेशन निकालनी थी, करंट की वैल्यू को ये पुट कर दिया, पर करंट के अंदर ऑलरेडी a आ रहा है, a की फॉर्म में पुट किया, इससे और इसे सॉल्व किया तो a आ गया। फिर v इज 0 प्लस at में a को पुट किया तो v आ गया, फिर इस v को उठा के वापस यहां पे पुट किया, यहां पे ये देखो, यहां पे, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है तो चार्ज भी टाइम के साथ चेंज होगा, इस v को जब यहां पुट किया तो चार्ज आया। ये एक इकलौती टेक्निक है जिसमें कैपेसिटर की चार्जिंग की बात हो रही है, अदरवाइज तो नॉर्मल बात होती नहीं, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। हाँ, पर अगर कोई ये कहे कि सर ये आएगा नहीं आएगा, पिछले कई साल से मैंने नहीं देखा, और मुझे ये भी नहीं पता पेपर कौन बना रहा है और वो क्या डालेगा, इतना कॉम्प्लेक्स आना मुश्किल है। हाँ, इसको तोड़ के वो आसान जरूर कर सकता है, वो इतना वेरिएबल ना देते हुए आपको सिंपली हो सकता है, सिर्फ यही पूछ ले चार्ज की वैल्यू बताओ क्या होगी कैपेसिटर में, तो सी इंटू बी एल वी तो हर कोई बता ही लेगा। आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकता है, सी पता है, बी पता है, वी पता है, एल पता है, चार्ज की कूलम में वैल्यू बताओ क्या होगी, तो कुछ भी इस फॉर्म में आ सकता है। इसका आना थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी मैंने करवा दिया कि अगर आप फंस जाओ तो एटलीस्ट आपको पता होगा कैसे बाहर आना है। मैंने बोला ही नहीं करंट कॉन्स्टेंट है, कब बोला, वो तो टर्मिनल पे होता है, टर्मिनल पे हमने क्वेश्चन टर्मिनल पे किया ना। ओके, तो ये कुछ ऐसे टिपिकल प्रॉब्लम थी जिसका लेवल नॉर्मल पेपर से मुझे लगता है कि ज़्यादा था। एक्सियोरमा की प्रॉब्लम है अनसॉल्व्ड, तो ये टिपिकल प्रॉब्लम है थोड़ी मुश्किल लगने वाली, जिसमें लोगों को डाउट आते हैं कि पता नहीं कितने बड़े बड़े आंसर आए हुए हैं, तो मैंने आपको आइडिया दे दिया कि किस टाइप, उन टाइप की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है। नॉर्मल क्वेश्चन अगर आप सच पूछो मेन्स और नीट का कैसा आता है, तो बहुत ही नॉर्मल आता है, कई बार तो बस यही बताना होता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट बता दो कहाँ है, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से, ठीक। तो इसको देख के घबराना नहीं है कि हम ई एम आई नहीं करेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन देखोगे तो नॉर्मल ही आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कौन सा, ये सेम है जो अभी पावर ट्रांसमिशन किया, वो सेम है, इसलिए नहीं करवाया। ओके, वापस आ जाते हैं।
लास्ट टाइम जाते हुए हमने सेल्फ इंडक्शन के बारे में सुना था. मैं एक बार रिवाइज करवाता हूं सेल्फ इंडक्शन और फिर हम आगे चलते हैं इसमें. राइट, देखो तो इसमें सेल्फ इंडक्शन की बात हो रही थी. ये एनसीईआरटी का टॉपिक है प्लीज. अब जो चल रहा है वो, अब जो बचा हुआ लेक्चर जो चलेगा रादर, वो सारा एक नॉर्मल लेवल चलेगा जिसमें से एनसीईआरटी की डेरिवेशंस क्या आएंगी यही आएंगी. सेल्फ और म्यूचुअल पे पक्का एक क्वेश्चन आएगा, आपको डेरिवेशन आएगी और इसका एक न्यूमेरिकल आएगा जो आज हम डिस्कस करेंगे. राइट, चलो ठीक. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल सेल्फ इंडक्शन. देखो सेल्फ इंडक्शन के अंदर मैंने बताया था कि एक कॉइल है, एक कॉइल में आपने करंट को चेंज किया, चाहे इंक्रीज किया चाहे डिक्रीज किया. जब एक कॉइल के अंदर करंट इंक्रीज हुआ तो उसके एक्सिस पर भी इंक्रीज हुआ. कॉइल ये नहीं होने देगी तो वो क्या करेगी, अपोज करेगी. तो कॉइल इंक्रीज इन करंट को अपोज करेगी या चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगी. क्योंकि इस सोलेनोइड में करंट इंक्रीज हुआ तो एक्सिस पे बी इंक्रीज हुआ, बी इंक्रीज हुआ, बी इनटू एरिया क्या होता है, फ्लक्स. तो फ्लक्स इंक्रीज हुआ. राइट, तो फ्लक्स की वैल्यू जब इंक्रीज होगी, कॉइल ये नहीं चाहता कि फ्लक्स इंक्रीज हो, तो कॉइल उसे अपोज करने के लिए क्या करेगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ लगाएगी. किस तरफ लगाएगी, अपोजिट डायरेक्शन. अगर आप करंट ऐसे इंक्रीज करते जा रहे हो तो अंदर ही अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ उल्टा करंट जनरेट करेगी या उल्टी ईएमएफ जनरेट करेगी और आपके करंट को कम करने की कोशिश करेगी. लेकिन अगर आप इस तरफ करंट को डिक्रीज करते हो तो बी इस तरफ डिक्रीज होता है तो कॉइल वो भी नहीं होने देगी. कॉइल ये कहेगी कि मेरा बी डिक्रीज हो रहा है, अब मैं करंट को आपकी तरफ ही ले चलती हूं ताकि मेरा बी इंक्रीज हो जाए. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन जो है वो आपकी तरफ ही हो जाएगी. को डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक. तो इन एनी केस एक इंडक्टर, इसको इंडक्टर बोलेंगे सोलेनोइड की जगह, है तो ये सोलेनोइड ही,
इंडक्टर इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर सेल्फ इंडक्शन हो जाती है, अपने अंदर ही इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाती है। राइट, यहां तक क्लियर है? तो सबसे पहली चीज, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन, अपने अंदर ही ईएमएफ को इंड्यूस करना। दूसरी चीज बताई थी कि इसके अंदर जो फ्लक्स होगा, जो भी इस कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा, वो डिपेंड करेगा इस कॉइल में कितना करंट आप चेंज कर रहे हो, कितना करंट किसी इंस्टेंट पर पास कर रहे हो। एक चीज सुन लो और बिल्कुल ध्यान से सुन लो, इस पूरे चैप्टर में करंट कांस्टेंट नहीं है। अगर करंट कांस्टेंट कर दिया तो फिर सारी गेम ही खत्म होगी, फिर वापस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में चले जाओ, फिर सोलेनोइड का बी म्यू नॉट एनआई प्रूव कर लो। करंट इज चेंजिंग, फ्लक्स इज चेंजिंग, तभी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। तो इसके अंदर फ्लक्स कॉइल का कितना चेंज हुआ या किसी भी इंस्टेंट पर फ्लक्स कितना होगा, कितना जितना उसमें करंट हम पास करेंगे, करंट कितना पास किया हमने आए, तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट आए। अब किसी ने ये कहा कि फ्लक्स की वैल्यू एक कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स पे भी तो डिपेंड करती है, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा लेंगे तो बी जितना भी छोटा हो फ्लक्स एन टाइम्स हो जाएगा। किसी ने कहा लेंथ पे डिपेंड करेगी, एरिया पे डिपेंड करेगी, सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगी, हमने लास्ट टाइम देखा भी। तो हमने क्या किया, यहां पर एक कांस्टेंट लगा दिया जिसके अंदर लेंथ, एरिया और सारे डायमेंशन ऑफ कॉइल डाल दिए जो फ्लक्स को अफेक्ट करते हैं। तो उस कॉन्स्टेंट का नाम क्या है? कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो जो फ्लक्स होगा एक कॉइल का वो करंट पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, करंट ज्यादा तो फ्लक्स ज्यादा, करंट कम तो फ्लक्स कम, लेकिन साथ में उसके कॉइल के फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगा, और उस कॉम्बो कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन। तो इतना फ्लक्स चेंज होगा फाइ इज इक्वल टू एल आई, तो उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस कितनी हो जाएगी? माइनस डी फाइ बाय डी टी। लेकिन फ्लक्स कितना चेंज हुआ? एल आई, तो माइनस एल कॉन्स्टेंट आ गया डी आई बाई डी टी। इसे फॉर्मूला बॉक्स में डाल लो, दिस इज अ फॉर्मूला। तो आज के बाद अगर डी आई बाई डी टी, इसका मतलब करंट इज चेंजिंग, अगर करंट चेंज होगा डी आई बाई डी टी जीरो नहीं होगा, लेकिन अगर करंट कॉन्स्टेंट होगा, कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन इज जीरो, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या हो जाएगी? जीरो। राइट, तो इसलिए बोला था कि करंट इस पूरे सर्किट के अंदर चेंज है। कोई डाउट इसमें? फॉर्मूला याद रहेगा, और एल के यूनिट्स क्या होते हैं? हेनरी, हेनरी बताया था मैंने, हेनरी ने जनरेट किया तो हेनरी। फिर मैंने इसमें प्रूव करके बताया कि अगर आपके पास एक कॉइल है, एक सोलेनोइड है जिसको इस चैप्टर में इंडक्टर बोलेंगे, उस इंडक्टर या सोलेनोइड का एल निकाल के दिखाओ, और मैंने बोला था बोर्ड के अंदर ये आता है तो प्रूव आएगा। डराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलेनोइड, ये आएगा। तो बी का फॉर्मूला, एक अगर इंडक्टर या सोलेनोइड के अंदर करंट जा रहा है आए, तो बी उसमें क्या होगा? म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पहला स्टेप क्लियर? मैंने करेक्शन भी करवाई थी, या तो छोटा करंट कर लो आई और आई, या फिर हर जगह बड़ा कर छोटा कर लो आई। फिर हमने फ्लक्स जो निकाला इस इंडक्टर का या सोलेनोइड का, एक टर्न का निकाला, एक टर्न का एरिया ए और बी हमें मालूम है, एक टर्न का फ्लक्स आ गया, लेकिन हमारे सोलेनोइड में कितने टर्न्स हैं? एन। तो टोटल फ्लक्स देखो, मैं लिखा हुआ है फ्लक्स इज बी ए में ईच टर्न, अंडरलाइन करने को बोला था, ये फ्लक्स ईच टर्न का है, और बी का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये एक टर्न का फ्लक्स आया और इसमें कितने टर्न्स हैं? एन। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? एन से। टोटल फ्लक्स ऑफ अ सोलेनोइड आ गया। लेकिन अगर हेनरी की कही हुई बात माने, हेनरी ने क्या कहा था? फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करना है? एल आई। याद रखना, ध्यान से सुन लो, अगर आप सीधा फॉर्मूला लगाते हैं फाई का एल आई, ये एल आई के अंदर ऑलरेडी नंबर ऑफ टर्न्स इंक्लूडेड हैं एल के अंदर, तो ये जो फ्लक्स निकलेगा ये एक टर्न का नहीं निकलेगा, ये टोटल फ्लक्स निकलेगा, और कितने टर्न्स का? एन टर्न्स का। क्या है पॉइंट? क्लियर है? तो ब्रैकेट में लिख लो, दिस इज फ्लक्स, दिस इज टोटल फ्लक्स फॉर एन टर्न्स, ब्रैकेट में लिख लो, दिस इज टोटल फ्लक्स फॉर एन टर्न्स। तो टोटल फ्लक्स फॉर
enters, right? तो हमने अपने तरीके से एक बार flux निकाला, एक बार Henry के तरीके से phi's li use किया, दोनों को equate किया, I और I क्या हो गया? Cancel. कोई कह रहा था सर I तो change हो रहा है, तो कोई बात नहीं. अगर ये 2 है तो ये 2 कर लो, ये 3 है तो 3 कर लो, 4 है तो 4 कर लो, जो मर्जी कर लो. I से I हर हालत में cancel. जो बचा वो L आ गया. क्या ये point clear है? तो derive हो जाएगा how to calculate L. ठीक. Next है topic का नाम coefficient of mutual. Self का मतलब मेरा, mutual का मतलब हम दोनों का, दो coils का. तो अब होगा क्या? Mutual induction क्या होता है? ध्यान से समझ लो. Mutual induction में हुआ क्या कि आपके पास दो solenoids हैं. इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आपको अगले 15 मिनट, क्योंकि आपको सारी चीजें कैसी दिखनी स्टार्ट हो जाएंगे. नहीं तो मैं इसलिए पेन भी दो यूज करूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा सकूं. तो सबसे पहले इसके अंदर ये देखना है कि आपके पास दो सोलेनोइड हैं, एक और दूसरा ये रहा, एक ब्लैक और एक रेड, और इनके करंट आपस में मिक्स नहीं हो सकते, इंसुलेशन है मटीरियल, लेकिन ये आपस में इंटरमिक्स किए हुए हैं, राइट. मैंने रेड वाली क्वाइल में करंट को सेंड किया, करंट भेजा, और करंट कांस्टेंट नहीं, करंट मान लो मैंने क्या किया, इंक्रीज करना शुरू कर दिया रेड में. ब्लैक को तो मैंने टच भी नहीं किया, ऐसी लिपटी हुई थी. रेड में जब करंट इंक्रीज हुआ तो इसके एक्सिस पे रेड का बी क्या हुआ? इंक्रीज, क्योंकि बी इज म्यू नॉट एन आई, आई बढ़ा तो बी बढ़ गया, राइट. और B का की जो डायरेक्शन है वो एक्सिस के अलोंग थी, राइट. ब्लैक वाले का भी B इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ब्लैक तो ऐसे ही पड़ा था, और उसके एक्सिस पे रेड ने B को बढ़ाना शुरू किया, तो ब्लैक का फ्लक्स ऑटोमेटिकली चेंज हो गया. वो तो पड़ा था. चेंज एक्चुअल में किसने किया? रेड ने. लेकिन यूज किसने किया उसको? ब्लैक ने. तो मतलब रेड ने अपना फ्लक्स तो इंक्रीज किया ही किया, साथ में पड़ोस की क्वाइल यानी कि ब्लैक का भी फ्लक्स इंक्रीज कर दिया. ठीक, पॉइंट समझ में आया. अब दोनों का फ्लक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, करंट बढ़ा दिया ना उसने. ब्लैक वाला तो खाली पड़ा था, उसका तो फ्लक्स जीरो था. अब कोई जाके उसमें मैग्नेट पास करे या बी जनरेट कर दे, उसका फ्लक्स तो चेंज हो ही गया ना, बी इनटू एरिया. हाँ, उसका एक्सिस की वजह से ना, ब्लैक के एक्सिस पर भी आ गया, चाहे उसका अपना नहीं था, चाहे रेड वाले का था, पर एक्सिस पे तो आ गया ना उसके. करंट मैंने सिर्फ रेड में पास किया. अभी रुक जाओ, बता रहा हूं. ओके, देखो मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना है प्लीज. मैंने रेड और ब्लैक को मिक्स कर दिया. पहले एक बात को समझ लो, एक अगर रिंग है, रिंग के अंदर अगर मैग्नेट एंटर कर रहा है तो इसमें इंड्यूस करंट जनरेट हो जाएगा, मानते हो. सोलेनोइड है, सोलेनोइड भी रिंग्स ही रिंग्स हैं, उसमें अगर मैग्नेट एंटर कर रहा है तो भी उसमें करंट जनरेट हो जाएगा, क्योंकि उसका फ्लक्स चेंज हो रहा है. अच्छा, अगर मान लो सोलेनोइड में मैग्नेट पास नहीं करते, दूसरी कॉइल भी एंटर करवा देती है उसमें, तो भी उसका फ्लक्स चेंज हो जाएगा, चाहे मैग्नेट से करवाओ चाहे दूसरी कॉइल के एक्सिस पे भी जनरेट करवाओ, बात तो एक ही है, दोनों के एक्सिस पे भी जनरेट हो गया, चाहे ब्लैक कॉइल का अपना नहीं था. अब दो कॉइल्स हैं, दोनों मिक्स हैं. रेड वाली कॉइल में मैंने करंट खुद भेजा बैटरी से या किसी भी मैकेनिज्म से, ये इंड्यूस नहीं है, ये मैंने भेजा, और मैं इसको क्या करता जा रहा हूं? इंक्रीज. रेड वाली कॉइल के एक्सिस पे
रेड वाली क्वाइल का बी बढ़ना स्टार्ट हो गया, ठीक। रेड वाली क्वाइल से पूछो कि तेरे को ये चीज पसंद है, वो कहता है बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि मेरे बी इंक्रीज होने से लेंस लॉ के अकॉर्डिंगली मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, तो मैं तो एक ईएमएफ इंड्यूस करूंगी। ये रेड वाली बोल रही है भाई, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। उसे कहा मैं अपोज करूंगी, राइट। अब ब्लैक वाली से पूछा, वो कहती है देखो चाहे मेरा अपना भी मेरे अंदर करंट होता या नहीं है, करंट एक्सिस पे इंक्रीज हो रहा है या बी एक्सिस पे इंक्रीज हो रहा है, सॉरी, तो अगर रेड वाली का बी इंक्रीज हुआ तो ब्लैक वाली का भी इंक्रीज हुआ, चाहे रेड ने इंक्रीज किया तो ब्लैक वाली क्वाइल के अंदर बी बढ़ना स्टार्ट हो गया। ब्लैक वाली कहती है देखो ऐसा है कि मैं भी ऐसा होने नहीं दूंगी, तो मैं भी क्या करूंगी, अपोज करूंगी। अगर चाहे मेरा खुद का बी इंक्रीज हो, चाहे कोई बाहर से आगे मेरा बी इंक्रीज कर ले, मैं तो अपोज ही करूंगी, राइट। तो ब्लैक वाली क्वाइल के अंदर करंट तो था नहीं, वो क्या कर सकती है, वो अब अपने अंदर करंट जनरेट कर लेगी। तो ब्लैक वाली क्वाइल भी अपने अंदर करंट जनरेट करेगी या ईएमएफ जनरेट करेगी, लेकिन ये करंट का नाम क्या होगा, इंड्यूस करंट। मतलब ऑटोमेटिकली करंट जनरेट हो गया जबकि हमने कोई करंट इसमें पास किया नहीं था। हमने किसमें पास किया था, रेड में। ब्लैक में अपने आप जनरेट हो गया क्योंकि वो अपोज करना चाहती थी रेड के इंक्रीजिंग फील्ड को, और उस चक्कर में उसने अपने अंदर करंट जनरेट करवा लिया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? और ऑब्वियसली इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ रेड, ताकि वो रेड वाले करंट को क्या कर सके, अपोज, उल्टा भी जनरेट करवा देगी वो, राइट। इस प्रॉपर्टी को जब हम चेंज तो करंट पहले सोलेनोइड में करते हैं, लेकिन फ्लक्स किसका चेंज हो जाता है, दूसरी का चेंज मैंने पहले में किया, करंट इंड्यूस हो गया दूसरी में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन, कि पड़ोस की क्वाइल में जाके करंट का जनरेट हो जाना जबकि चेंज मैंने फर्स्ट क्वाइल में किया था। फिर अब कोई कहेगा सही तो बड़ी कंफ्यूजन होगी, मैंने कहा कैसे, वो कहता है कि जो ब्लैक क्वाइल है वो तो सेल्फ इंडक्शन शो कर रही है, जो सॉरी रेड वाली क्वाइल है वो तो सेल्फ इंडक्शन शो कर रही है, क्योंकि आप उसका जब करंट चेंज कर रहे थे तो उसमें एल होना चाहिए सेल्फ इंडक्शन, और ब्लैक वाली क्वाइल तो एक नई क्वाइल आ गई उसमें आपने बोला म्यूचुअल इंडक्शन। यानी कि क्या दोनों फिनोमेना इकट्ठे एग्जिस्ट कर रहे हैं? यस, इकट्ठे एग्जिस्ट कर रहे हैं। रेड वाली क्वाइल जो अपोजिशन में होगी और इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करेगी, उस प्रोसेस को बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन, और ब्लैक वाली क्वाइल जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करेगी अपोजिशन शो करने के लिए, इसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? सेल्फ और म्यूचुअल में डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहां तक कोई डाउट? अच्छा, अगर मैं रेड में करंट ऐसे जनरेट करूंगा और रेड वाला भी ऐसे इंक्रीज कर रहा है, क्या ब्लैक वाला ऐसे ही करेगा ना, ताकि उसका भी इस तरफ हो जाए, अपोजिशन तभी करेगा ना, बी को कम कर देगा, अपोजिट होगा। हाँ, रेड वाली कॉइल कोशिश करेगी उसका करंट भी कम हो, वो सेल्फ इंडक्शन अंदर ही अंदर वो पहले कम करके भेजेगी, वो दिखा नहीं सकता। पड़ेगा, सब रिलेटेड है। अब आगे पूरी स्टेटमेंट तो सुन लो, ये ना एक बहुत बड़ा जाल है कि पहले सेल्फ इंडक्शन हो, फिर करंट सेल्फ इंडक्शन की वजह से कम हो, फिर म्यूचुअल इंडक्शन हो, फिर म्यूचुअल इंडक्शन में करंट जनरेट हो, ठीक, करंट जनरेट हो गया, हमारी कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है, करंट जनरेट हो गया, चलो डन, क्लोज हो गया जनरेट। अब और डिटेल में जाएंगे, करंट जनरेट हो, ब्लैक वाली के अंदर जब करंट जनरेट होगा, ब्लैक वाली कहेगी कि ठीक है करंट म्यूचुअल से हुआ, पर मैं भी सेल्फ इंडक्शन शो करूंगी क्योंकि मेरा करंट इंक्रीज हो रहा है और मेरा अपना भी तो जनरेट हो रहा है। ये तो बहुत बड़ा जाल है, तो पहले इस जाल को खत्म करते हैं। हम इस टॉपिक के अंदर सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं, ब्लैक वाली क्वाइल में कितना करंट जनरेट हुआ, बस। म्यूचुअल पढ़ते हुए हम सेल्फ इंडक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे। जब हम म्यूचुअल पढ़ रहे हैं सेल्फ है ही नहीं, मान लो जब हम सेल्फ पढ़ रहे हैं तो म्यूचुअल नहीं है, वैसे दोनों इकट्ठे होते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? जो तो एनसीईआरटी है, जो मेंस है और जो नीट है, वो तो जब सेल्फ इंडक्शन पूछेगी तो सेल्फ ही पूछेगी,
म्यूचुअल पूछेगी तो एक ही म्यूचुअल पूछेगी, जो एडवांस का एक टॉपिक है जिसमें सेल्फ और म्यूचुअल दोनों इकट्ठे लगते हैं, उसकी शीट तैयार है, वो ऑप्शनल है, जिसको पढ़नी है वो इस पूरे जाल को इकट्ठा पढ़े कि तीन चीजें इकट्ठी कैसी चलती हैं, लेकिन इस पूरे चैप्टर को खत्म होने के बाद ही पढ़े, जब उसको सेल्फ और म्यूचुअल अलग अलग समझ में आ जाते हैं, राइट? तो मैं शुरू करूं टॉपिक। देखो, बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि बहुत टेक्निकल है। अगर आपने कलर कॉम्बिनेशन मिस किया, मैं एक पेन यूज ही नहीं करूंगा, पेन ही तो यूज करूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा एक पेन से नहीं तो। ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूं। मैंने बोला मैंने करंट इंक्रीज किया, कौन सी कॉइल में इंक्रीज किया? रेड में। तो बी किसने जनरेट किया? रेड ने। बी रेड ने कितना जनरेट किया? म्यू नॉट एन आई। तो ये रेड का बी है, ब्लैक वाली तो ऐसी बैठी थी, इसका तो कुछ नहीं था। तो फ्लक्स चेंज किसका करवाना है मैंने? ब्लैक का। म्यूचुअल इंडक्शन में हम फ्लक्स किसका जनरेट करवाते हैं? जिसमें करंट अपना नहीं होता, जिसमें इंड्यूस होता है। दो कॉइल्स गिवन होंगी म्यूचुअल में, एक में तो करंट देगा ही ना, वो उसका फ्लक्स कभी कैलकुलेट नहीं करना। किसका करना है? जिसमें करंट नहीं था इनिशियली, जो ऐसी पड़ी थी। तो जो ब्लैक कॉइल है वो तो ऐसी पड़ी थी, उसका जो फ्लक्स होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? रेड वाली कॉइल के करंट के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि अगर रेड का करंट ज्यादा होगा तो रेड का बी ज्यादा होगा। रेड का बी ब्लैक वाला यूज कर लेगा तो ब्लैक वाले का फ्लक्स बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली अगर करंट बढ़ेगा रेड का तो वो ज्यादा बी प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा करेगा तो रेड वाले का भी फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ब्लैक वाले का जो फ्लक्स है वो रेड वाले के करंट पे प्रोपोर्शनल है? कोई डाउट इसमें? देखो, हम फ्लक्स किसका कैलकुलेट करने वाले हैं? जिसमें अपना करंट नहीं था, और करंट जिसमें था वो रेड है। तो मैंने कहा अगर मैं रेड में करंट बढ़ाऊंगा, रेड में करंट बढ़ाऊंगा, रेड का बी बढ़ेगा, रेड वाली कॉइल का बी बढ़ेगा। वही बी कौन यूज करेगा? ब्लैक वाला। ब्लैक वाला भी सेम बी बढ़ा हुआ यूज करेगा तो ब्लैक वाले का फ्लक्स बढ़ जाएगा, राइट? क्योंकि फ्लक्स क्या होता है? बी इंटू एरिया। तो ब्लैक वाली कॉइल बी तो रेड वाली का यूज कर रहे हैं, एरिया अपना जो यूज करे, फ्लक्स तो बढ़ रहा है क्योंकि बी बढ़ रहे हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जितना करंट रेड में होगा आए, उतना ही पड़ोस की कॉइल का फ्लक्स भी चेंज होगा? क्या ये इसमें कोई डाउट? तो करंट किसका? जिसमें हमने पास किया। लेकिन फ्लक्स किसका? जिसमें करंट हमने पास नहीं किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आ रहे, देखो, आप में से एक स्टूडेंट आया, वो देखो आ ही गया। आया क्या? वो आ गया, उसने कहा सर ये तो इनकम्प्लीट है। मैंने पूछा कैसे? वो कहता है ठीक है, मान लिया करंट बढ़ेगा पहली कॉइल का तो पड़ोस की कॉइल का फ्लक्स बढ़ेगा। वो मैं कहने वाला था, उसने बोल दिया अगर नंबर ऑफ टर्न्स पहले कॉइल के ज्यादा कर दें तो फिर करंट ज्यादा करने की क्या जरूरत है? नंबर ऑफ टर्न्स सिर्फ अपने आप ही बी ज्यादा हो जाएगा, जो ब्लैक वाला यूज कर लेगा उसका फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पहली कॉइल के भी होने चाहिए थे। फिर उसका दूसरा क्वेश्चन होने वाला है ये, सर दूसरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, क्योंकि दूसरी कॉइल के जब नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो दूसरी कॉइल यानी कि ब्लैक कॉइल का भी फ्लक्स और बढ़ जाएगा। मतलब वो ये कहना चाहता है कि नंबर ऑफ टर्न दोनों के बढ़ा दो तो फ्लक्स ही फ्लक्स बढ़ेगा, कम तो हो नहीं सकता। तो बिल्कुल सही है। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से फ्लक्स बढ़ता है, करंट बढ़ाने से फ्लक्स बढ़ता है, और भी फैक्टर है, लेंथ चेंज करने से फ्लक्स चेंज होता है, एरिया चेंज करने से फ्लक्स चेंज होता है। ये तो लाइन लग गई पूरे पैरामीटर्स की। इसीलिए यहां पे कॉम्बिनेशन में क्या लगा दिया? कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट, और इस कॉन्स्टेंट का नाम क्या है? एम, एम आई। लेकिन एम का जो कलर है मुझे ना ऐसे यूज करना चाहिए, आधा ब्लैक आधा रेड। वो क्यों? क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं नंबर ऑफ टर्न्स रेड के भी होने चाहिए और तो दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है, करंट रेड का, फ्लक्स ब्लैक का,
लेकिन आपस में इनकी दोस्ती पक्की, एम एम मतलब एन वन एन टू दोनों कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे ना, तो उतना ही म्यूचुअल इफेक्ट ज्यादा आएगा. क्या ये पॉइंट क्लियर है? इंपॉर्टेंट फाइव इज एम आई तो है ही नहीं ना, वो तो मैं एक मिनट में खत्म कर देता टॉपिक. फाइव इज इक्वल टू एम आई डन. इंपॉर्टेंट आप फंसने वाले हो कि किसका फ्लक्स निकालने, क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल करेंगे ना, कैलकुलेट फ्लक्स किसका, दो दो कॉइल्स पड़ी होंगी, जिसमें करंट पास किया उसका तो बिल्कुल भी नहीं, जिसमें करंट नहीं था उसका, और करंट किसका यूज करे, जिसमें हमने पास किया था. क्या ये पॉइंट क्लियर है? ओके राइट. तो इसके अंदर ब्लैक वाली कॉइल का जो फ्लक्स है वो इसके इक्वल आया. मैं फिर कलर चेंज ही करूंगा, जब मैं ब्लैक बोलूंगा तो ब्लैक है. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किस कॉइल का निकल रहा है? ब्लैक का. फ्लक्स किसका चेंज किया? ब्लैक का. इंड्यूस्ड ईएमएफ किसका? ब्लैक का. इज इक्वल टू फॉर्मूला माइनस डी फाइव बाय फाइव भी किसका? ब्लैक का. राइट. तो यहां पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी माइनस डी बाय डी टी ऑफ एम एम, लेकिन करंट इसमें किसका चलता है? वो पहली कॉइल का ही चल रहा है. तो फाइव इज इक्वल टू एम आई का फॉर्मूला पुट कर दिया इसमें, तो मेरे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू माइनस एम डी बाय डी टी ऑफ क्या आएगा यहां पर? आए. यानी कि पहली कॉइल रेड वाली कॉइल में जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा, पड़ोस की कॉइल में ईएमएफ उतना ही ज्यादा जनरेट होगा. देखो ब्लैक कॉइल का ईएमएफ पहले कॉइल के रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे डिपेंडेंट है. ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है. ठीक हो? संदीप ये कॉन्सेप्ट किससे निकाला था? हेनरी ने. इसलिए इसके एम के यूनिट्स भी हेनरी, एल और एम दोनों के यूनिट सेम, हेनरी. ठीक है. अब जो करने जा रहा हूं बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ही ध्यान से देखना है. सारी गेम म्यूचुअल इंडक्शन की इसी ऊपर बेस्ड है और ये एनसीईआरटी में आने वाला है. या तो डेरिवेशन आएगी कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की एल की, या डेरिवेशन आएगी कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन एम की. एम निकालो या एल, इनमें से एक आएगा. इन दोनों को मींस एम को निकालने का तरीका देखो. होता है मैं नहीं ले रहा, नहीं मैं ले नहीं रहा, अलग होता है, अलग अलग दिखाना चाहिए मुझे. वो मैं फिर एडवांस का लेवल है, ज्यादा एडवांस है वो. है मेरे पास तीन पेज है उसके, मैं आपको प्रिंट आउट दे दूंगा, आप आराम से पढ़ लेना.
देखो अभी हमने क्या किया, पिछले टॉपिक में हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ एम. ये वाला टॉपिक आपको बताएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम. तो हम क्या निकाल रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू, दैट इज एम की वैल्यू. सबसे पहले आपने फिर से दो इस तरीके के सोलेनोइड लिए, ये पहला है और लेट अस सपोज ये दूसरा है. ठीक हो गया यहां तक. एज यूजुअल करंट एक में पास करने किसी में भी आए और करंट कांस्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, करंट इज चेंजिंग विद टाइम, चाहे इंक्रीज बोल दो चाहे डिक्रीज बोल दो, कांस्टेंट मत बोलो. ये कॉइल नंबर वन है रेड वाली और ये कॉइल नंबर टू है, राइट right? ठीक, क्योंकि आपके बुकलेट में कलर तो है नहीं, वो तो फिर वन और टू के साथ सिंबल चलेंगे. आगे देखते हैं, हमने करंट किस कॉइल में पास किया, रेड, राइट right? तो बी की वैल्यू रेड में बी वन बोल दें, बी वन, बी किसने जनरेट करवाया था, वन ने, रेड ने, कितना, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स रेड में एन वन, एल लेंथ का सोलेनोइड है और इसमें अजम्पशन है कि दोनों सोलेनोइड सेम साइज के हैं, एल सेम है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है. मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा, अगर डिफरेंट होंगे तो उसमें क्या करना है न्यूमेरिकल में बताऊंगा, तो अभी तक सेम है, एनसीईआरटी में सेम आता है. तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और मान लो रेड में करंट कितना गया, आए वन, पहला स्टेप क्लियर. रेड ने कितना बी जनरेट किया, डन, तो बी भी इंक्रीज हो रहा है, मैं तो बी की बात कर रहा हूं, राइट right? अब ध्यान से, मैं फ्लक्स किसका निकालूं, रेड का कि ब्लैक का, ब्लैक का जिसमें करंट नहीं गया था. तो ब्लैक का जो फ्लक्स है, ब्लैक मीन नंबर टू कॉइल है, इज इक्वल टू, ध्यान आगे शिवम, बी किसका यूज करेगा, रेड का. बी किसका यूज होगा, रेड का, क्योंकि उसका अपना बी तो था नहीं, लेकिन एरिया तो अपना यूज करेगा, जिसका फ्लक्स निकालना है उसी का एरिया. तो एरिया किसका यूज करें, ब्लैक का. वैसे एरिया क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है, फर्क पड़ता नहीं है, वो लेना नहीं ना, सेल्फ हो जाएगा, वो तो सेल्फ हो गया. तो पड़ोस का यूज किया तो म्यूचुअल है, ठीक, पॉइंट समझ में आया यहां तक, वो ठीक कह रहे हैं. वो कह रहे हैं ब्लैक अपने वाला करंट के साथ बी जनरेट कर लेगा, फिर तो सेल्फ हो गया ना अपने बी के साथ ऑपोजिशन, हमने म्यूचुअल लेनी है कि बी रेड का फ्लक्स ब्लैक का. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये फ्लक्स आया किसका, ब्लैक का, कितने टर्न्स का, एक टर्न का, एन नहीं, बी इन टू एरिया एक टर्न. लेकिन हमारे जो ब्लैक वाला जो ब्लैक वाला जो कॉयल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन टू. तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि इसके अंदर बी वन, एरिया ब्लैक का ए और नंबर ऑफ टर्न्स भी एन टू, कोई डाउट इसमें, ठीक. तो इस बी की वैल्यू को यहां पर पुट करते हैं तो क्या आएगा, फाइ टू इज इक्वल टू बी वन, तो वही यूज करना पड़ेगा, कितना, म्यू नॉट एन वन आई वन डिवाइडेड बाय एल, एल राइट, और एन टू एरिया ब्लैक का और एन टू एन टू. मैंने बिल्कुल क्लियरली डिफ्रेंशिएट किया है कि रेड कौन सा और ब्लैक क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है. क्या ये टर्म, ये पॉइंट क्लियर है? तो ये फ्लक्स किसका आ गया, ब्लैक का, कितने टर्न्स का आया, एन टू टर्न्स का आया. तो ये स्टेप क्लियर है, ठीक हो गया. बट हमें हेनरी ने क्या कहा, हेनरी ने ये कहा कि अगर आप फ्लक्स निकालना चाहते हो ब्लैक का फाइ टू, तो आप यूज करो एम और इन टू करंट किसका यूज करना है, रेड का. ये तो मैंने सीधा बता ही दिया था आपको फ्लक्स कैलकुलेट करने का तरीका, और ये भी मैंने आपको बताया था, फिर बता रहा हूं कि इस फॉर्मूले से जो फ्लक्स आता है वो सीधा सीधा टोटल टर्न्स का ही आता है, इसको एन से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, राइट right? तो दोनों फ्लक्स आ गए, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, दैट इज म्यू नॉट एन वन आई वन एल ए एन टू इज एम एन टू कितना आई वन, आई वन से आई वन कैंसल. तो मेरे पास एम की वैल्यू आ गई म्यू नॉट एन वन
एन टू एरिया एल हो गया प्रूफ. तो कैपिटल एम किसके किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दोनों नंबर ऑफ टर्न्स पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, ए स्टैंड फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ ऑफ द सॉलिनॉइड पे. क्या पॉइंट क्लियर है? ये रेड और ब्लैक का चक्कर समझ में आ रहा है? मेन तो ये है और तो कुछ नहीं है. मैं इतने से ये तो बोल रहा हूं, करंट आई वन मेरा, फ्लक्स पड़ोस की कॉइल का, उसका अपना तो लेना ही नहीं ना आई टू. दो कॉइल्स हैं रेड एंड ब्लैक, करंट रेड में है, फ्लक्स ब्लैक का, तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई. तो ये टोटल आया ना ये वाला. सेल्स तो लेनी नहीं ना यार, फिर एडवांस कर ले पहले यार, एनसीईआरटी मत कर. ओके, लाइट ना लाइट. देखो अब एक एग्जांपल मैं करने जा रहा हूं, उस एग्जांपल को प्लीज ध्यान से देखना. म्यूचुअल इंडक्शन के एग्जांपल के अंदर देखो कैसे करना है आपको. म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर सपोज करो, जो मैंने किया हुआ ये रहा, जैसे सपोज आपको ना एक लूप देगा वो, जैसे सपोज करो, फिर से कर देता हूं, ये आपके पास एक स्क्वायर है राइट, और 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, इसमें ब्लैक कलर का स्क्वायर है और करंट कितना जा रहा है 2 एम्पियर राइट. इस स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर है, एक और स्क्वायर है जिसमें कोई करंट नहीं है, ब्लैक में करंट है, रेड में करंट नहीं है, ये भी क्लियर है. और जो रेड वाला है वो 5 सेंटीमीटर डायमेंशन का है, ठीक, 5 सेंटीमीटर इसकी डायमेंशन है. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये है, इनका एम निकालो क्या होगा, कैपिटल एम. म्यूचुअल इंडक्शन का सेल्फ कोफिशिएंट क्या होगा? सबसे पहले करंट किसमें है? ब्लैक वाला जो कॉइल है वो सेंटर पे क्या लगाएगा? बी, बी लगाएगा. और कितना लगाएगा और कैसे कैलकुलेट करेंगे उसे? बी की कैलकुलेशन करने के लिए, मेरे ख्याल से ये एकदम सही है, बी की कैलकुलेशन ब्लैक वाले की वजह से फर्स्ट वायर का, याद है 45 डिग्री बाय सेवर्ट्स लॉ, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डिवाइडेड बाय दिस लेंथ. अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो आधी कितनी है? 5. ठीक, करंट इसमें 2 एम्पीयर है, साइन 45 प्लस साइन 45 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पूरे स्क्वायर का बी आ गया राइट. स्क्वायर का बी निकालना आ गया. अब स्क्वायर का बी आ गया ब्लैक वाले का, यूज कौन करेगा? रेड वाला. रेड वाले में करंट तो है नहीं, तो फ्लक्स किसका लेंगे इसमें? रेड का. और जो फ्लक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू बी किसका यूज करेगा? ब्लैक का. एरिया किसका यूज करेगा? अपना खुद का. रेड वाला, रेड वाले का एरिया कितना है? 25 इंटू 10^-4. पॉइंट समझ में आया? किसके अंदर, किसमें करंट नहीं था? रेड में. तो फ्लक्स किसका निकल रहा है? रेड का. बी उसने ब्लैक का यूज किया, एरिया अपना यूज किया राइट. लेकिन हेनरी का रिजल्ट क्या था? फ्लक्स जो कैलकुलेट करेंगे कितना? 5 विल बी इक्वल टू एम. और करंट कितना ब्लैक वाले का? कितना? 2 एम्पियर. दोनों 1 और 2 को इक्वेट करके किसकी वैल्यू आ जाएगी? एम की. आई और आई कैंसिल हो जाएगा राइट. तो मतलब आपने पहले रेड वाले का बी निकाला, सॉरी ब्लैक वाले में करंट है इसमें, ब्लैक वाले का बी निकाला, फ्लक्स किसका निकाला? रेड का, क्योंकि इसमें करंट नहीं था. बी उसने ब्लैक का यूज करना है जिसमें करंट था, एरिया अपना खुद का यूज करना है रेड वाले ने. और हेनरी का रिजल्ट
phi is equal to m into i, equate करोगे तो m आ जाएगा. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वो स्क्वायर नहीं देगा तो सर्कल दे देगा, कोई बात नहीं, सर्कल का फॉर्मूला बी का चेंज हो जाएगा, बाकी मेथड विल रिमेन सेम. वो किसी भी फॉर्म में आंसर क्वेश्चन देता रहेगा, एक में करंट देगा दूसरे में करंट नहीं देगा, तो फ्लक्स निकल जाएगा वहां से. ठीक, कोई डाउट इसमें? किसमें? ये स्टेप बताऊं, बी कैसे आया? वो चार तारे हैं, तो सिंगल वायर का आया ना, ऐसे फोर है, राइट? क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? सब्जेक्टिव शीट ओपन करना प्लीज. थर्टी टू, ओके, सब्जेक्टिव शीट नंबर 32. पीछे क्वेश्चन विजिबल है प्लीज? पीछे क्वेश्चन पढ़ जा रहा है. देखो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, 10 ओम रेजिस्टेंस क्वाइल. तो रेजिस्टेंस कितने गिवन है क्वाइल की? 10. कितने टर्न्स हैं? 1000. एंड ये क्या चीज गिवन है? फ्लक्स passes through it. Flux falls. Flux गिर गया, कम हो गया. कितना हो गया? इतना हो गया. कितनी देर में? 0.1. Initial flux given है, final given है. Change in flux क्या होगा? Final minus initial. तो number of turns हमें पता है. हमें क्या निकालना है इसमें? Induced EMF. Induced EMF is minus d phi by dt और number of turns 1000 से multiply करना पड़ेगा 1000. तो 1000 into d phi पता है, dt पता है, तो ये EMF आ गई. मेथड समझ में आ रहा है? वही सेम चीज है, माइनस d phi by dt वाला, और नंबर ऑफ टर्न्स अगर हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स से क्या करना पड़ेगा? इन्हें मल्टीप्लाई. क्या पॉइंट क्लियर है? और फिर वो ये पूछ रहा है कि करंट निकालो, करंट क्या होगा? EMF by रेजिस्टेंस. ठीक है यहां तक? चेंज इन फ्लक्स निकाला, चेंज इन फ्लक्स बाय टाइम को क्या बोलते हैं? EMF. बात नहीं करो. हेलो. देखो इसके अंदर करेक्शन है, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू गलती से 100 लिखी गई, दिस शुड बी 10 ओनली. 10 करोगे आंसर सेम है, आंसर सही है. तो करंट आ गया, तो अगर चार्ज निकालना है तो चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड, क्यू इज इक्वल टू सी वी, और वी जो यूज करेंगे वो क्या होगा? मोशनल EMF. बन क्लियर है यहां तक? ठीक, करते डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट में 5 वोल्ट.
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक फ्रेम है, प्लीज चेक करो, ये एक फ्रेम है, ये फिक्स्ड है, ऑफ रेजिस्टेंस आर, एक रॉड है 25 सेंटीमीटर की रॉड है, उसको मूव करवा रहे हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, तो साफ पता लग रहा है मोशनल ईएमएफ है। आपको इसमें कह रहा है कि पहले तो ईएमएफ बताओ क्या होगी, ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस बीएलवी, राइट। लेकिन उससे पहले इस ये बीएलवी कैसे, ये मैं आपको बता देता हूं, जो आपकी बुकलेट है, अभी हमने म्यूचुअल इंडक्शन किया ना ये वाला टॉपिक, इसके बाद दो टॉपिक और थे, उनमें से एक टॉपिक ये गिवन है एक्सप्रेशन फॉर मोशनल ईएमएफ, तो बुकलेट के अंदर ही चेक कर सकते हो। कई बार आपके एनसीईआरटी में कहता है कि सिर्फ रॉड को खींचो और मोशनल ईएमएफ ड्राइव करो बीएलवी, कई बार कहेगा कि रॉड को घुमाओ, मोशनल ईएमएफ ड्राइव करो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, किया हुआ हमने, और कई बार कहेगा ये एक फ्रेम है, फ्रेम को बाहर निकालो मैग्नेटिक फील्ड से, तो बताओ इसमें मोशनल ईएमएफ क्या डेवलप होगी, होगी तो बीएलवी। इसका प्रूफ देख लेते हैं, किसी भी इंस्टेंट पर इसकी कितनी लेंथ अंदर है मैग्नेटिक फील्ड के, एक्स लेंथ कितनी है एल, तो इसके अंदर फ्लक्स क्या होगा बी इंटू एरिया, और कितना पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है एल इंटू एक्स, क्योंकि एक्स इंटू एल, तो ये आपके पास फ्लक्स आ गया। ईएमएफ क्या होती है, माइनस डी फाई बाई डी टी, फ्लक्स की जगह पुट करेंगे बी एल एक्स, बी और एल बाहर, डी एक्स बाई डी टी क्या होता है वी, तो ये प्रूफ किया जा सकता है अगर उसने बोला कि एक फ्रेम को बाहर निकाला जाए। पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो आप रॉड वाला कर दो या ये वाला कर दो, बात एक ही है, राइट क्लियर है। तो इसी को यूज करवाया अभी मैंने, जो अभी टॉपिक चल रहा था, ठीक यही टॉपिक है, बस फर्क यह है कि ये फिक्स्ड है, ये रॉड मूव कर रही है, रॉड मूव करे या फ्रेम मूव करे, फॉर्मूला तो सेम है मोशनल ईएमएफ का, कितना माइनस बीएलवी, बी पता है, एल पता है, वी पता है आंसर। फिर कहेगा करंट निकाल दो, करंट नेगेटिव तो होता नहीं है, मैग्नीट्यूड ले लो ई बाय आर, करंट आ गया। फिर कहेगा करंट की डायरेक्शन बता दो, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, रॉड कहां मूव कर रही है टूवर्ड राइट, बी मोशन ऑफ कंडक्टर, और करंट कहां है ऊपर, याद रखना करंट की डायरेक्शन उसने पूछी आर में, आपने फ्लेमिंग का रूल लगाना है रॉड पे, मूव रॉड कर रही है, तो बी फोर्स और करंट ऊपर, जो करंट यहां जनरेट होगा वो घूम के अब यहां नीचे जाएगा, तो यहां मत ऊपर, या कई बार लोग यही फ्लेमिंग का रूल लगा देते हैं क्योंकि यहां पूछा है, यार रेजिस्टेंस तो स्टेशनरी है, वो थोड़ा मूव कर रही है, जो मूव कर रहा है फ्लेमिंग का रूल उस पे लगाना है। पॉइंट समझ में आया, तो फ्लेमिंग का रूल से करंट ऊपर आएगा, घूम के नीचे आएगा, तो आर से एस, ठीक। तनवीर क्लियर है, तनवीर, शिवम, तनवीर क्लियर है, क्लियर है पीछे, ठीक है। और अब ये भी सुन लो, बुकलेट के अंदर दो टॉपिक्स और, ये भी साथ ही साथ सुन लो, अगर इंडक्टर्स को ग्रुपिंग इन सीरीज में आ जाए क्वेश्चन, वैसे तो आता नहीं है सीरीज पैरेलल, क्योंकि बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर दो इंडक्टर सोलेनोइड सीरीज में और करंट की सप्लाई कॉन्स्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, चेंजिंग, अगर कॉन्स्टेंट हो जाएगी सेल्फ इंडक्शन नहीं होगी इसमें, तो अगर इसमें चेंजिंग सप्लाई है तो ऐसे केस में करंट की वैल्यू सेम रहेगी और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी ई वन प्लस ई टू, और इंड्यूस्ड ईएमएफ होती क्या है माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस यहां भी और यहां भी, माइनस 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 प्लस, तो डी आई बाई डी टी इसमें सेम रहेगा क्योंकि सीरीज में चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विल रिमेन सेम, तो यहां से ये आंसर आएगा। तो शॉर्टकट है कि अगर L1 L2 सीरीज में है, दो की जगह एक इंडक्टर लगाना हो तो L of S is L1 plus L2, रेजिस्टेंस की तरह ही चलता है ये, सेम राइट, बुकलेट में है ये, हाँ बुकलेट में है ये, बुकलेट का पेज नंबर देख लो कौन सा है, 151। और ऐसे अगर पैरेलल में है, पैरेलल में I स्प्लिट हो जाएगा I1 plus I2, तो आई आई वन प्लस आई टू का काम करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी आई बाई डी टी डी आई एंड डी टी डी टी आ गया, लेकिन मुझे पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है माइनस एल डी आई, माइनस लगा लो कोई दिक्कत नहीं, तो डी आई बाई डी टी क्या जाएगा माइनस एल ई बाई एल,
तो इसकी जगह पुट करेंगे माइनस ई बाई एल वन माइनस ई बाई एल टू माइनस ई बाई एल पी पैरेलल, तो ये पुट कर दिया, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो ये फॉर्मूला है राइट. क्या है पॉइंट क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आएगा, ये हमने टॉपिक कर लिया. ये टॉपिक बोल रहा था अगर किसी क्वेश्चन में सेल्फ इंडक्शन भी हो और म्यूचुअल इंडक्शन भी हो तो L1, L2 और M का क्या रिलेशन है, इसको एक बार देखते हैं. तो ये फॉर्मूला है कोफिशियंट ऑफ कपलिंग K अंडर रूट ऑफ M डिवाइडेड बाई L1, L2. तो इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते वैसे, बता रहा हूँ, आउट ऑफ कोर्स है, ये नहीं करना आपने, वैसे आता नहीं है, पर आप फॉर्मूला देख सकते हो इसका. सिर्फ कपलिंग ये बताता है कि इनकी ओरिएंटेशन कैसी है. जैसे अगर ये आपस में ठीक तरह मिक्स्ड है, बहुत पास है, एक्सिस सेम है, हम बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ कपलिंग मैक्सिमम है, क्योंकि इनकी म्यूचुअल इंडक्शन बहुत हाई होगी तो के बहुत हाई होगा. अगर ये इस तरीके से है कि इसका एक्सिस बी का इधर है और इसका इधर है, अब अगर इसमें करंट पास करते हो यार, ये इसका बी यूज भी नहीं कर पाएगा, तो के इसमें बहुत ही ज्यादा कम है, तो इसमें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू बहुत कम होने वाली है, क्योंकि इनमें के कम है तो म्यूचुअल इंडक्शन कम है. इनमें ठीक ठीक है, थोड़ा बहुत बी एक्सिस के लॉन्ग सेम रहेगा तो फिर भी म्यूचुअल इंडक्शन होगी, वो बेस्ट है राइट. तो हमें इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बताया हम म्यूचुअल अलग पढ़ते हैं और सेल्फ अलग करते हैं, पर हाँ फॉर्मूला आ जाए तो मार्क किया जा सकता है राइट. तो हम अभी अपनी शीट पे थे, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तो क्लियर है. क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर सेल्फ इंडक्शन, ध्यान से पढ़ लो, सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ क्वाइल हैविंग 200 टर्न्स इज 10 मिली हेनरी. तो एल कितना गिवन है, 10 मिली हेनरी, हेनरी में कन्वर्ट करो 10 की पावर -3. कैलकुलेट टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्वाइल. देखो वो एल दे रहा है, वो करंट दे रहा है, तो टोटल फ्लक्स इज एल आई. कितने लोग एग्री करते हैं मैं इसको 200 टर्न से मल्टीप्लाई भी करूं, आप, क्योंकि हेनरी ने कहा था फ्लक्स एल आई में नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई, इसमें ऑलरेडी ये टोटल फ्लक्स है, पहला स्टेप क्लियर. तो 200 टर्न तो ऐसे ही गिवन है फिलहाल, तो टोटल फ्लक्स एल आई. लेकिन अगर वो ये पूछता है फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, एक टर्न का, तो टोटल फ्लक्स को नंबर ऑफ टर्न से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो ये पर टर्न का फ्लक्स आ जाएगा. समझाया यहां तक? तो पहले टोटल फ्लक्स आएगा फाइ इज एल आई, उसको 200 से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ टर्न से, तो फ्लक्स पर टर्न आ जाएगा. ठीक है, ठीक है आयुषी, सुन लिया था वो पुराना लेक्चर? कार्तिक पुराना लेक्चर सुन लिया था? लास्ट लेक्चर सुनना चाहिए था. देखो कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्या निकालना है, एम म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, वन द सेम थिंग. तो अगर वो म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलता है एम है, कोफिशियंट बोलता है तो भी एम है, एम निकालना है. जब करंट कितना चेंज हो गया 4 एम्पियर से 8 एम्पियर, कितनी देर में, 0.5 सेकेंड में. और ईएमएफ कितनी जनरेट करता है, 50 मिली वोल्ट. ईएमएफ पता है, करंट पता है, EMF is minus M di by dt. M तो नेगेटिव होता ही नहीं, तो वैसे ही मॉड लेना होता है इसमें. तो EMF पता है, M निकालना है, चेंज इन करंट 4 कितनी देर में, 0.5 में M आ गया. ठीक है, तो फॉर्मूला समझ में आ रहा है इंड्यूस्ड EMF का और M का क्या फॉर्मूला. इंड्यूस्ड EMF is minus M di by dt. नंबर क्लियर है?
सेम है, बता दिया था अभी। हाँ जी ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस फर्क ये है कि इसमें लूप मिसिंग है। बड़ी लूप कैपिटल एल है, छोटी वाली से बनानी चाहिए थी स्मॉल एल की। और ये क्वेश्चन अभी अभी हमने किया कि आउटर कॉइल है और जो छोटा कॉइल है स्मॉल एल, दैट इज लेस देन कैपिटल एल। तो ऑब्वियसली पहले बड़े कॉइल जिसमें करंट है उसमें बी निकलेगा, उसमें बी निकल के फोर से मल्टीप्लाई होगा, चारों साइड्स का बी आएगा। फिर छोटे वाला कॉइल उस बी को यूज करेगा, पर एरिया अपना यूज करेगा स्मॉल एल स्क्वायर, बताया मैंने, एरिया अपना यूज करेगा। फिर दोनों फ्लक्स को इक्वेट करेंगे, राइट। पॉइंट समझ में आ रहा है कि इसको कैसे करना है, सेम चीज है। तो अगला कर लो फटाफट एक मिनट में। सेकेंड इक्वेशन क्या, अच्छा ये रही सेकेंड, ऐसा नहीं हो, ये इजी है, फिर भी वो थोड़े ट्रिकी थे आज वाले, शुरू वाले वो सबसे ट्रिकी पार्ट है उसका, वो रॉड खींच के BIL वाला। टर्मिनल तक तो ठीक है, पर जब वो वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम है वो आती नहीं है। कन्वीस में आ रहा है, नेक्स्ट हो गया। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनों का हो गया, नेक्स्ट के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 5 माइक्रोवेबर, माइक्रो का मतलब 10 की पावर माइनस, करंट 1 mA, कह रहे एल निकाल लो। तो बहुत सिंपल है, 5 = LI, तो एल इज इक्वल टू 5/I, आंसर हेनरी में आंसर आएगा, माइक्रो का 10 की पावर माइनस 6, माइक्रो कूलम की तरह, ये नहीं होता माइक्रो, माइक्रो कूलम भूल गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो मिली है, वो मिली है। ओके, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, बस एक मिनट और लूंगा, ज्यादा नहीं, एक मिनट दो मिनट, ठीक है यहां तक। और क्वेश्चन नंबर 7 में कॉइल है सेल्फ इंडक्शन ऑफ 10 mH, तो एल गिवन है 10 × 10 की पावर माइनस 3 हेनरी। व्हाट इज मैक्सिमम इंड्यूस करंट, देखो इंड्यूस करंट नहीं कहा, मैक्सिमम वर्ड आया, तब जब करंट कितना है 0.1 sin 200 t। देखो उसने करंट की ये वैल्यू दी हमें, विच इज चेंजिंग विद टाइम, कोई बात नहीं। इंड्यूस्ड EMF की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इंड्यूस्ड EMF होती क्या है पहले बताओ, -LdIdt, मैग्नीट्यूड में तो माइनस हटाओगे तो ये रहेगा, DI/DT अगर मैक्सिमम हो, L तो कांस्टेंट है, तो ये टर्म भी क्या जाएगी, मैक्सिमम। तो करंट ये रहा, करंट को टाइम से डिफरेंशिएट करें ताकि DI/DT आ जाए, डिफरेंशिएट करोगे तो साइन की डिफरेंशिएशन कॉस DI/DT ऑफ 200 t में 200 बाहर आ गया, तो ये DI/DT आ गया। अब आपको पता है कि अगर मैक्सिमम DI/DT चाहिए तो कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी, 1, cos थीटा अगर मैक्सिमम 1 होगा तो DI/DT मैक्सिमम होगा, तो इसको उठा के 1 पुट कर दिया, तो DI/DT मैक्सिमम वैल्यू 0.1 × 200 कितना आ गया, 20, बस उसके बाद L × DI/DT। तो DI/DT की मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी है आपने, cos में नहीं पुट करना, आंसर।
सॉरी इसको वन पुट किया 0.1 into 220